वेलकम बैक नाजरीन सुबह वतन में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं नाजरीन आज कल पाकिस्तानी ख़ास तौर पर कुछ फाइनेशल क्राइसिस का शिकार हैं और इन्फ्लेशन और रिसेशन इनकी बातें हो रही हैं तो ऐसे में एक मुसलमान कैसे इन हालात से निकल सकता है या हम हमें ऐसे क्या आमाल करने चाहिए कि हमें इन हालात से हमारे वतन को इन हालात से निजात मिल जाए आज इस सेगमेंट में हम सुबह वतन में इस पर बात करेंगे इनशाला इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शहबाज़ हसन साहब आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और इसी तरह यू के शोबा ऊमूम इस्लामिया के चेयरमैन भी हैं और और बहुत सारी जगहों पे लोगों को दीनी रहनुमाई देते हैं माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं वैसे तो पूरी दुनिया में ही ये परेशानी मौजूद है लेकिन पाकिस्तान में बतौर ख़ास जो है ये परेशानी है कहीं बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे कहीं बेरोज़गारी के ख़तरा मंडला रहे हैं कहीं तरह तरह की परेशानियां हैं तो ऐसे में ए, इन माली मुश्किलात से निकलने के लिए ए, इस्लाम हमें क्या तालीम देता है हमें क्या कोशिश करनी चाहिए किस अंदाज से कोशिश करनी चाहिए कि ये जो माली मुश्किल हैं एक ले मैन उनसे कैसे बाहर निकले बिस्मिल सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा से अपनी दावत का आगाज़ किया तो आप ने कभी ये स्लोगन नहीं लगाया कि हम मीशत को ठीक कर देंगे हम हुकूमत ले कर आएंगे हम ये करेंगे वो करेंगे इस तरह की कोई चीज़ नबीम की हयात तयबा में हमें नहीं में मिलती, मिलती है।, है अच्छा लेकिन इसके बावजूद अगर आप मक्की सूरतों की तलावत करें तो उसमें आपको सूरत तसर नज़र आएगी आपको सूरत हमाज़ा नज़र आएगी आपको सूरत क्रैश नज़र आएगी इस तरह और बहुत सारी सूरतें आदियात है मतलब ये था कि उसके साथ साथ ये काम शुरू कर दिया गया था मुआशी इनकलाब का भी बग़ैर स्लोगन के यानी जिन वजूहत की बिना पर मुशी मसाइल पैदा होते हैं उन वजूहत को ड्रेस किया गया सही हमान अगर आप देखें जो आ, इस वक्त जख़ीराज़ी है मनूई महंगाई पैदा कर दी गई है और फिर जो आ, हवस है मालो दौलत की बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से हम दूसरों का हक हाँ भी मारते हैं और दूसरों का हक हाँ गसब करने की कोशिश भी करते हैं या फिर वो इंसानों की बुजदली है जिसकी बिना पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते हैं और कोई गलत फ़ैसले करते हैं तो ये करैक्टर बिल्डिंग जो है बेसिकली नबी वसल्लम ने इसका यहाँ से आगाज़ किया और उसके बाद ख़यानत की जो संगीनी है झूठ का जो मामला है इसी तरह और कई चीज़ें हैं उनसे से बचा कर एक अली जो अखलाकरदार है वो पैदा करने की कोशिश की है जब ये इसको आप जड़े कह सकते हैं ये जब बुनियाद ठीक होगी तो बाकी फिर मामला ठीक हो जाएंगे फिर वहाँ पर आपको जख़ीरांदोजी नज़र नहीं आएगी फिर आपको ये जो मशनू महंगाई पैदा करते हैं वो और यहाँ देखें ना आप ज़रूरी मुल्क है गज़ाई किल्लत जो है वो पैदा कर दी जाती है पहला तला पैदा फरमा रहे हैं लेकिन मिडल मैन जो है वो फ़ायदा उठा रहा है और ना काश्तकार को कुछ मिल रहा है और ना पब्लिक जो है उसको कुछ उस वजह यूजर भी बहुत मुश्किल बहुत सारी कीमत अदा रही। कर रही है इसकी तो ये फितरत से जब इंसान हटेगा अखलाकियात से हटेगा तो ये सारे मसाइल पैदा होंगे सही लेकिन ये तय है कि इंसान ने ज़ाहिर है कोशिश करनी है अल्लाह ताला ने दिन को माश के लिए बनाया है व जल न हारा उसने मेहनत करनी है कोशिश करनी है और इन चीज़ों को अल्लाह की नेमत समझना है और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ने मालो दौलत को अपना फजल करार दिया है सुबह एक तो ये फरमाया <coughs> ही सवाल करना वो हमारे से से में भी कुछ चीजें आएंगी लेकिन जो अहम फरीजा है उसका जिक्र करते हुए अल्लाह तला ने मैशत को तलाश करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है जुमे के हवाले से मशहूर आयत है यादी अब खरीदो फरोख्त और दीगर सारे काम छोड़ने और अल्लाह के जिक्र की तरफ लपन है लेकिन उसके बाद क्या फरमाया सुभान अल्लाह और जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो फिर अल्लाह के फजल की तलाश अल्लाह के फजल की तलाश के लिए जमीन में फैल जाओ क्या अल्लाह का फजल तलाश करो माल का लफ्ज भी हो सकता था ना लेकिन अल्लाह ने फजल का लफ इस्तेमाल किया इसी तरह खैर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है माल के लिए यानी उसके लिए जायज तरीके से मेहनत करना कोशिश करना रज़ हलाल के लिए जद करना और फिर कुरान मजीद में, में भी इशारात हैं हज़रत दाऊद के हवाले से दीगर अम्बैया के हवाले से जो मेहनत करते रहे रज़ हलाल कमाने के लिए और ख़ुद इस्लाम ने फरमाया कि इंसान की बेहतरीन कमाई वो है जो अपने हाथ से वो कमाता है और हजरत दाऊद्लाम अपने हाथ की कमाई से खाते थे ये तरगीब मेहनत कोशिश करें और दूसरों के माल पर नजर ना रखें यानी कि हलाल पर पर कमाना और हलाल खर्च करना ये है, ये खैर है जो हलाल नहीं है मसला वहां खराब होगा जी वहां पर मसला है हाँ। फिर यह कि इसके बावजूद अगर माली तंगी हो हम जानते हैं कि मक्की दौर में और बदरी दौर में भी शुरू में मुआशी तौर पर तंगी थी मुसलमानों के लिए और बाज़ मौके ऐसे होते थे जिसमें एक एक खजूर पर गुजारा करते थे मुसलमान तो वो कनात भी जरूरी है फिर ये सबर और इस्तकामत भी ज़रूरी है कि जिस हालत में जिस कफ़ीयत में अल्लाह ने रखा है जो वसायल हमारे पास हैं उसी में हमने साबिर शाकर रहना है उसी में हमने गुजारा करना है नहीं, नहीं। जब हम मर गए लुट गए और कुछ नहीं या कुछ ना पूछो जी हाथ बहुत तंगे ये चीज़ें जब करेंगे तो फिर मसायल पैदा होंगे अब कुर के सुर जिन में आए तरीमा है वह अलव तरीका मा अगर वो सही जो रास्ता है उस पर अगर वो कायम रहते तो हम उन्हें वाफर पानी पेलते मा गाजिक है वो जो ना वफि मज़क रिजक तो आसमान से आता है, है। तो वो एक तो यह तो अलग तरफ से जो फैसले होते हैं वह दूसरा ये आसमानों से अल्लाह बारिश नाजल फरमाते हैं और उसके जरिए से जमीन से अल्लाह तुम्हारा रिजक पैदा फरमाते हैं वफिसा माय रिजुम तो ये सही जो, जो जिंदगी है अगर इस तरह की जिंदगी हो तो फिर वो जो मुआशी इनकलाब नबीसम ने पैदा फरमाया और उसके बाद फिर खबरें भी दी कि एक वक्त आएगा कि जक़ात लेने वाला कोई नहीं होगा तो वो उस बेस पर होगा जितने मर्जी वसाइल हो अगर वो चीज़ ठीक नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता अच्छा डॉक्टर साहब इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो है कि इज्तमी सतह पर अगर ये वाला तर्ज अमल इख्तियार किया जाता है जो आप बता रहे हैं कि हवस नहीं करना मेहनत करनी है मुनसिफाना तकसीम हो आप इसको जो इस्लामिक पैटर्न है उसको फॉलो करें अगर तो इजतमाही सतह पर है उससे खैर आएगी लेकिन अगर इजतमाही सतह पर नहीं है इनफरादी सतह पर लोगों में ये शार या ये जस्तुजू मौजूद है और वो खैर को हासिल करने का जो तरीक़ा है वो इख्तियार करते हैं और जो हलाल और हराम है इसकी तमीज़ भी करते हैं इनफरादी सतह पर अगर ये खैर मौजूद हो इजतमाही सतह पर मौजूद ना हो तो क्या वो शख्स इनफरादी तौर पर खैर हासिल कर सकेगा उस माशरे में रहते हुए कि जहाँ पर ये रिवाज नहीं है देखिए उसके लिए मुश्किल तो यकीन उसको होंगी ना वो चीज़ें जो हमारे अख्तियार में नहीं हैं वर्ल्ड लेवल पर जो हम मवादात करते हैं जैसे आई एम एफ़ के मसाइल हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो उसमें एक अनफरादी शख्स जो है वो अवेयरनेस दे सकता है सही। और पूरी कोशिश जो उसके ज़िम्मे हैं अल्लाह के हाँ वो 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 उसने अपनी मेहनत की पूरी कोशिश की वो हो सका या नहीं हो सका वो अल्लाह तौला नहीं पूछना और कभी हमसे कोशिश क्या की? आ, हमने... आपने अपने हिसे की क्षमा जलाई है नबीलाम ने यही किया ना तर... कोशिश की और उसके बाद फिर ऐसे लोग थे कि कुरान ने कहा तिरून वाल खुद भूख बर्दाश्त करते है और दूसरों को खाना खिलाते हैं मेहमान आता है उसको खिला देते हैं और खुद भूखे पैसे सो जाते हैं वो मिसालें मिलती हैं दूसरों को प्रेफर करना खुद नबी नबीसम भी इसी तरीके से करते थे सही सही तो ये असल <coughs> में करेक्टर बिल्डिंग जो है ना ये बहुत जरूरी है जी उसके जीवेत बेस पर फिर ये दुनिया की मोहब्बत पैदा करके आप तरक्की नहीं कर सकते माली तौर तो पर दुनिया की मोहब्बत कम करके आप मामला ठीक कर सकते हैं इसलिए तो वो तमाम चीज़ें हराम है जिनकी वजह से मसला जक़ात जो नहीं देता उसकी वायदे क्यों हैं इसलिए कि माल की मोहब्बत की वजह से वो अल्लाह का जब बंदों का हक है वो नहीं निकाल रहा उस वजह से फिर सारे मसाइल होंगे और अगर वो दिल का करनी है तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं है वो अल्लाह की राह में ख़र्च भी करता है दूसरे के हक़ पर नज़र ही रखता जायज़ हलाल तरीके से पर वो कोशिश करता है सही, और सही, उसके नतीजे में फिर जब वो अल्लाह से मांगेगा तो वो कबूल भी होगा सही 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 जजाकल्ला एक सवाल ये है कि जो ये अभी क्राइसिस का दौर चल रहा है तो ऐसे में जो कमज़ोर मुसलमान भाई हैं तो साहिब सरवत लोगों पर क्या ज़िम्मेदारी आईद होती है इन कमज़ोर भाइयों के हवाले से जो जोशी तौर पर थोड़े कमज़ोर हैं या आ, किसी ऐसी डिसबिलिटी का या कमज़ोरी का शिकार हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते तो साहिब सरवत लोगों पर उनकी क्या ज़िम्मेदारी है एक तो देखें अमोमी उसूल है जो अल्लाह तार ने बयान फरमाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दौलत जो है वो अमीरों के अंदर ही गर्दश करती रहे अच्छा अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि अमीर जो है वो अमीर तर से अमीर तरीन हो रहा है और गरीब जो गरीब तर से गरीब तरीन तर। तर। हो रहा है जी। तो हालांकि असल में जो सर्कुलेशन की डायरेक्शन है वो ये है कि अमीरों से दौलत का बहाव गरीबों की तरफ हो सही ये एवं सदक़ात खरात करने हैं ज़क़ात देनी है और वो जो नबीम ने ममी तौर पर फ़माया कि बेवाओं की खबरगिरी करने वाला आ, वो ऐसे है जैसे सारे सर रात वो इबादत कर रहा है दिन को रोज़े रख रहा है सही हदीस के अंदर ये फजीलत बयान की गई है और फरमाया कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में यूं होंगे क्या बात यानी मेरे साथ होगा यतीमों की कफालत करने वाला इस तरह मसाक्न का फिर कुरान में देखिए कि यू तो अमून तमाम अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं तो जो पसंदीदा चीज़ें हैं अल्लाह ताली के नज़ीक उनमें से गरीबों में स्किनों को खाना खिलाना भी है आला हुबे ही दो बफूम है इसके एक तो अल्लाह की मोहब्बत में गरीबों मस्किनों को खाना खिलाना और दूसरा ये है कि चीज़ पसंदीदा भी है फिर भी अल्लाह की राह में उसको ख़र्च करना जैसे कि चौथे पारे की पहले आय लाल उलबर रहा था तो फिकम तो ही बोल तो ऐसे हालात में वो जो वसाइल मौजूद हैं वो गरीबों की तरफ उसका रुख करना और जो साहब हसीयत लोग हैं उनको चाहिए कि गौराबा के ऊपर खर्च करें कभी हो जाता है वसायल की क़िल्लत आपने वो शायद वाक्य सुना हो कि एक साहबी थे अमीर थे काफले में और उनके पास जो सामान है ज़्यादा रा उसको कहते हैं वो कम हो गया था और फिर जो उनके पास खजूरें थी सबसे इकट्ठी कर ली गई तो वो एक दो थैले बने थे तो उसमें वो थोड़ा थोड़ा देते थे फिर एक वक्त आया कि एक एक खजूर रोजाना दी जाती थी तो एक खजूर पर गुजारा करते थे हम कहते थे एक खजूर से क्या बनेगा लेकिन हमें उस एक खजूर की कदर तब महसूस हुई जब वह भी ख़त्म हो गई Hmm. तो यानी जो वसाइल हैं उन्हीं को आगे फिर अल्लाह ताला ने फिर ये किया कि एक बहुत बड़ी मछली जो है वो समुंदर से बाहर निकाल दी और फिर वो 300 लोग थे 15 दिन तक खाते रहे उसमें से बच भी गया तो नबी सलाम को मदीने आकर बताया गया तो आप फरमाते हैं ये अल्लाह का रिजक है इसको इसमें से खाओ और अगर तुम्हारे पास हो तो वो हमें भी दो तो नबी नबीम को उन्होंने पेश किया तो नबीम ने भी खुद उसमें से फरमाया तो अल्लाह ताली फिर यूँ वसायल पैदा कर देते हैं इसीलिए नबी ने अशरी कबीले की बड़ी तारीफ़ की थी अशरी कबीला जो है उनके बारे में फ़रमाया कि जब उनके पास सामान कम हो जाता था यानी गज़ा ज़्यादा नहीं है तो जितना भी उनके पास सबके पास होता ना वो सारा एक जगह पर इकट्ठा कर लेते थे और सारा इकट्ठा करने के बाद उसको फिर बराबर बराबर तकसीम कर लेते थे अच्छा फरमाया मैं उनमें से हूँ और वो मुझसे हैं यानी इतनी अपनाई वो कभी आप हाथ सुनते हैं हुसैन हूँ मिननी वाना मिन हुसैन जी बेशक और इस तरह और भी कई से हाबाक कराम के बारे में हजरत जुलाबीब के बारे में फरमाया कि वो मुझसे है तो ये बिल्कुल एक क्लोज़ ताल्लुक़ बयान करने के लिए कि वो मुझसे है और मैं उससे हूँ तो अशरी कबीले के लोगों के बारे में ये, बारे में ये बात आपने इसलिए फ़रमाई कि वो दूसरों का ख्याल रखते हैं सारे वस जितनी भी चीज़ें हैं वसाइल हैं वो एक जगह इकट्ठे किए और इक्वली उनको तकसीम कर दिया उस तो, तर्जमल की अहमियत को बताने समझाने के लिए जी उसको बताने के लिए ये असल तो मेरे लोग ये हैं मेरा इनसे ताल्लुक़ है तो आज के ज़माने में मेरा ख़्याल में जब मुश्किल हालात हैं कसात बाजारी है आ, महंगाई है लोगों के मसाइल हैं अखराज ज़्यादा हैं इनकम वो नहीं है बहुत सारे मसाइल हैं तो इस तरह की जो सिचुएशन है जैसे मैंने मुख़ात मदीना के वाले से आयद का इशारा भी किया है कि दूसरों को खाना खिलाते हैं और ख़ुद भूखे रह लेते हैं तो ये जो गम खसारी है हमदर्दी है अख़ुवत है ये जज्बा ही ज़ाहिर ऐसे मौकों पर काम आता है सुबह हसूल रस्क के लिए या रज कमाने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ करना किस कदर ज़रूरी है और अगर परेशानी के हालात हैं कुछ क्राइसिस हैं तो क्या कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है देखिए पहली चीज़ तो यह है कि रज्क हलाल कमाना तो अल्लाह ताला अल्ला का सरी वाज हुक्म है और जो शख्स रज़ हलाल नहीं कमाता या रज़के हलाल नहीं कमाता उसके तो अमाल ही को नहीं होते नहीं आप ये समझ सकते हैं कि जो आदमी मोमिन नहीं है उसका अमल को नहीं होता जो आदमी नबी के खिलाफ अमल करता है अलीलाम उसका अमल को बोल नहीं होता जो आदमी दिखावे के लिए अमल करता है उसका अमल को बोल नहीं होता और इसी तरह जो आदमी रिजके हलाल नहीं खाता नहीं कमाता तो उसका अमल भी कबूल नहीं होता इन अल्लाह तय्यबा लाकबल्ला तयन अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को ही कबूल फरमाता है बेश और नबी सामने फिर मिसालें दी फरमाया किल्ला तला ने जो हुम दिया है रसूलों को वही ईमान वालों को हुक्म दिया है Okay. या योर कुलो मिन पकीजा में से खाओ और नकाम तो ये नये माल कबूल होंगे के के पर। पर। दूसरा यह है कि रिस्क हलाल की बुनियाद पर नयक माल करने की तोफीक मिलेगी ररकत से आपको नकमाल की तोफीक मिलेगी इसी तरह ईमान वालों से कहा कुल बात मारा जकना फिर नबीम ने एक आदमी का जिक्र किया जो लंबा सफर करता है उसके जिसम पर गर्दो गुबार पड़ी हुई है बाल परागंदा हैं और वो हाथ उठा के दुआ मांगता है आज दिन सारी के साथ या रब या रब लेकिन उसका खाना हराम का है उसका पीना हराम का है और उसका लिबास हराम की कमाई से बना है और हराम की गजा से उसके जिसम ने परवश पाई है फ़ान जाबल झालिक तो उसकी दुआ कैसे को बोलो Allah मैं Allah तो अक्सर ये कहता हूँ कि Allah एक आसान तरीका है बढ़ाने का कि आप अपना रिजक हलाल रखें अल्लाह और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें आपकी दुआ कबूल होगी और रिजक हराम अगर है दुआ मांग रहे हैं वो कबूल ही नहीं हो रही कबूल ही नहीं हो रही तो दूसरों का, हर, दूसरों, का हर, दूसरों का हक मार के आप ज्यादा करने की कोशिश ना करें आप अपना रिजक हलाल बना के अल्लाह से मांग लें अल्लाह आपको दे देगा सुबह और हदीस में इसकी वजाहत मौजूद है सही सही हमारे नाजरीन को ये भी बतला दीजिए एक चीज रह गई थोड़ी सी वो जो आपने फरमाया कि मुश्किल हालात में कोई कम्प्रोमाइज करने की गुंजाइश है वो गुंजाइश नहीं है इल्ला ये कि अजतरा कफियत हो इस तरह कफ़ीयत का मतलब यह है कि जान का ख़तरा है तो फिर इंसान हराम का लुकमा खा के अपनी जान बचा ले वो भी ना चाहते हुए और उतना ही इस्तेमाल कर जसूस उसकी जान बच सकते हो सिर्फ, सिर्फ, वरना किसी और मकसद के लिए वो नहीं वरना खाने कमाने तो सिर्फ हलाल फिर इसके हलाल है डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिए कि एक मुसलमान ऐसे क्या तरीके इख्तियार कर सकता है या ऐसी एक किन दुआओं का एहतमाम कर सकते हैं कि उसका रिस्क वसी हो जाए देखिए एक चीज़ तो यह है कि कुछ आमाल हैं यानी बाज दफ़ा दुआ का एहतमाम नहीं कर रहा है। लेकिन उसका अकीदा ऐसा है उसका जहन ऐसा है अल्लाह पर ईमान इतना उसका पुख्ता है वो बग़ैर उन दुआओं के भी अल्लाह तक अताफर मारा होता है यानी इंसान पैदा होने से पहले भी उसको रिज्क मिल रहा है और जब वो किसी से मांग नहीं सकता वो उस वक्त भी अल्लाह ताली उसका तो सब लगा रहे होते हैं इंसान के पैदा होने से पहले इंसान का रिजक लिख दिया जाता है तो वो चीज़ तो अपनी जगह पर मौजूद है दुआएँ बार केफ अगर हम और रसूलों की जो तालीम है उसको अगर हम देखें मैसून सैदसीम की दुआ है कि उन्होंने मायदा यानी खाने तैयार हों टेबल के ऊपर या किसी दस्तर खान के ऊपर लगे हुए तो होंने दुआ दौा मांगी अल्लाह मरबा अनजिल तकनौलॉदाव आखिर आयिन का वर ज़ुखना वानता खैर उड़ाद तो अल्लाह से रिज़्क़ मांगना मेरा ये ख्याल है कि अगर ये दुआएँ याद नहीं भी हैं किसी को या जो दीगर दुआएँ हैं हदीस के अंदर आई हैं या कुरान के अंदर आई हैं नहीं भी हैं सिंपल कह लें अल्लाह से रिज़्क़ मांग लल्ला मुझे रिज़्क़ अता फरमा दीजिए और हदीस में मौजूद है कि बंदा जब कहता है ना कि वारज़ुक़नी अल्लाह तला से कहता है वारज़ुक़नी वो दुआ में नमाज के अंदर भी कुछ दुआएँ हैं ना ऐसी जिसमें हम रब फिरली वर वआफिनी वर्ज़ुकनी वर्ज़ुकनी तो बंदा जब कहता ना, तो है ना और जुकनी या अल्ला मर जुखनी मुझे रिज कता फ़रमा तो अल्लाह जवाब में फ़रमाते हैं कदफ़ालत सुबहानल्लाबहान क्या बात मैं है? ये कर चुका हूँ मैंने ये कर दिया मतलब उससे आप मांगे तो सही और एक आयत मैंने किसी और हवाले से पहले भी जिक्र की थी वस अल्लाह वाल में फजले ही अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगो, मांगो तलब करो मांगो मांगो और अल्लाह उससे खुश होगा कि मेरा बंदा जो है मुझ पर नजर रखता है और मेरे ऊपर भरोसा करने वाला है मुझसे मांगने वाला है तो वो तो उससे कोई मांगता है तो वो खुश होता है सुभान तो बहुत सारी दुआएं हैं इसमें अल्लाह मकफनी का भी का भी हैं वो आप कोई भी दुआ इसमें अल्लाह से अल्लाह से मांगे तो वाला है डॉक्टर साहब हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं आपने हमें रिज के हवाले से किस तरह से हम दुआएं कर सकते हैं या क्या तरीके इख्तियार करने और और जो बहुत अहम बात थी कि हर हाल में हमें हलाल ही इख्तियार करना है नहीं आपने बहुत खूबसूरत अंदाज़ से समझा आपका बहुत शुक्रिया ख़वानों हज़रा इसके साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है ब्रेक के बाद दोबारा आपकी ख़िदमत में हाज़िर होंगे और आपके ख्वाबों की तबीर भी शामिल करेंगे हमारे साथ रहिए